झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें अति संवेदनशील इलाकों में मतदाता कर्मी अपने अपने सभी जगहों पर सही सलामत सुरक्षा के साथ पहुंच गए हैं। पिछली बार बूथ पर हथियार जाने वाली घटना को ध्यान में रखते हुए जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं उनको जब्त कर लिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, रांची, बोकारो, खरसावा, जामताड़ा, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, साहिबगंज, रामगढ़, चतरा में कुल 95 प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसी प्रकार से उनके सकुशल आगमन के लिए हम लोग इन 6066 में से 897 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को P+1 अर्थात 8 तारीख को वापस जिला मुख्यालय में जहां पर स्ट्रांग रूम है वहां पर उनको लेकर वापस आएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने 101 मतदान केंद्र जो बिल्कुल ही हार्डकोर नक्सल एरिया दुरूह जंगली क्षेत्र में अवस्थित थे उनको हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिलोकेट किया है, जिससे कि हमारे मतदान कर्मी भी सकुशल वहां पहुंच सके और जो ऐसे रिलोकेटेड पोलिंग स्टेशन है वहां के मतदाताओं की सुविधा के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था कर रखी है जो कि उनके गांव से उनको मतदान केंद्र तक लेकर आएंगे। मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 155 पोलिंग टीम्स को हेलीड्रॉपिंग अर्थात हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके क्लस्टर केंद्र तक पहुंचाया। इसमें से सबसे अधिक जो है वह 125 चाईबासा जिले में, 8 खूंटी जिले में एवं शेष जो 22 है वो सरायकेला जिले में हेलीड्रॉपिंग की गई। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।